सिविल अच्छी है तो जी हाँ, जीरो डाउन पेमेंट पे भी मिल सकती है। आओ टेस्ट राइड लो, पसंद आए तो बुक कर दो भाई। इसकी सर्विस सारी पेड सर्विस होती है, ठीक है, कोई फ्री सर्विस नहीं है इसमें, ठीक है। मान लीजिए गली में पानी भरा हुआ है, मैं अगर स्कूटी अपनी लेके जाऊँ तो स्कूटी के बैटरी को कोई इशू तो नहीं या ख़राब तो नहीं होगी? कुछ लोगों का कहना है कि मैं स्कूटी घर में ही चार्ज करना चाहता हूँ, तो क्या प्रोसेस है? कुछ एक्स्ट्रा वायरिंग का झमेला है क्या अगर घर में इंसान चार्ज करना चाहे तो? तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले थैंक यू तो मेरे पुराने IQube के वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। एंड मैंने पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको जो भी इशू होगी आप मुझे कमेंट करो, मैं उसका आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आज मैं सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले आया हूं। सारे तो नहीं, मतलब जो क्वेश्चंस एक से ज़्यादा बार रिपीट थे या 5-6 बार 10 बार एक ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादा लोगों को जिससे प्रॉब्लम था वो सारे सॉल्यूशंस मैं आज ले आया हूं। तो चलिए अब एक एक करके सारे प्रॉब्लम को टैकल करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मुझे भागलपुर से देख रहे हो तो आपको पता ही है कहाँ आना है। नीचे जो एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कॉपी करो, गूगल मैप पे पेस्ट करो और आ जाओ। और आज जो सारा सॉल्यूशन देने वाले हैं वो वन ऑफ द इम्प्लॉई है, TVS के ऑफिशियल इम्प्लॉय हैं, तो जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको बिल्कुल जेन्युइन मिलेगी। तो चलिए उनको बुलाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है हम लोगों को गाड़ी से नहीं, मतलब डाउट है बहुत लोगों को। पहला सवाल जो सबसे ज़्यादा लोग उनसे पूछते हैं कि स्कूटी की रेंज क्या है, क्या क्या मोड्स हैं, क्या क्या रेंज हैं, आप एकदम डिटेल में मुझे बता दीजिए। तो रेंज का ऐसा है कि एक जब आप फुल चार्ज कर लोगे, ठीक है, 4.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें दो मोड आता है, एक इकोनॉमी मोड आता है, एक पावर मोड आता है, ठीक है। तो एक फुल चार्ज करने पर इकोनॉमी पे 100 से 105 किलोमीटर तक का रेंज है, और पावर मोड पे जो है 75 किलोमीटर का रेंज है, ठीक है। तो दूसरा सवाल जो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि लोगों के मन में ऐसा बना हुआ है ना कि क्या पता इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लाइसेंस लेना है कि नहीं है, IQube के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा? हाँ सर, लाइसेंस तो सर ज़रूरी है। तो IQube ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी, इसमें लाइसेंस जरूरत नहीं पड़ेगा, लाइसेंस चलेगा, इसमें जरूरत है इसमें लाइसेंस का। अच्छा, बिना लाइसेंस का? बिना लाइसेंस का नहीं चला सकते। बहुत लोग तो ऐसे भी हैं मेरे सब्सक्राइबर जिन्हें सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ में टॉप स्पीड जानना होता है, तो उन्हें IQube का भी टॉप स्पीड जानना है। तो आप उन्हें एक बार IQube का भी टॉप स्पीड बता ही दीजिए। इसमें जो टॉप स्पीड है ना सर, जो बेस वेरिएंट और बेस प्लस वाले में दोनों वेरी करता है, ठीक है। तो जो बेस वाले मॉडल में है उसमें जो इकोनॉमी मोड पे अगर आप डाल के चलाएंगे तो उसमें 60 से 65 कर देता है टॉप स्पीड। अगर यही पावर मोड पे डाल के चलाएंगे तो 80 कर देता है टॉप स्पीड उसमें, ठीक है। तो जो इसका टॉप स्पीड है वो मोड्स पे मोटा मोटी डिपेंड करता है। मोड्स पे डिपेंड है सर, ठीक है। अब सिंस ये EV स्कूटी है तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना वो बैटरी के अराउंड ही घूमते रहते हैं, तो आप बैटरी के बारे में हर चीज़ बता ही दीजिए लोगों को। क्या बैटरी लाइफ है, क्या रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, और बैटरी से रिलेटेड जो भी है मतलब इसका इंफॉर्मेशन वो आप दे दीजिए, क्योंकि बैटरी के अराउंड बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं सब्सक्राइबर्स। इसका जो बैटरी कैपेसिटी है वो है 4400 वाट का है, ठीक है। और बहुत लोग ये पूछते हैं बैटरी लाइफ क्या है। तो बैटरी लाइफ इन द सेंस कि ये है कि इसको 1500 टाइम्स आप चार्ज कर सकते हैं, 1500 बार चार्ज, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है वो जी। और वैसा है बैटरी लाइफ जो है ना वो आप डिपेंड करता है कैसा आप मेंटेन कर रहे हैं आप उसको, ठीक है। तो यूसेज के हिसाब से तो इसका जो बैटरी, जैसे हम लोग होता है ना फ़ोन चलाते हैं तो फ़ोन यूज़ करते हैं तो बार बार जैसे जितना यूज़ करते हैं उतना बार चार्ज में लगाते हैं, बट इसके साथ वैसा नहीं है। जैसे भी आप एक फुल चार्ज कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप जब डिस्चार्ज हो जाए गाड़ी, ठीक है, तब आप चार्ज में लगाइए। अब बार बार चार्ज में लगाने से क्या हो ना, बैटरी लाइफ इसका घट जाएगा, ठीक है। फुल डिस्चार्ज करके फुल चार्ज, हाँ फुल चार्ज करना तो बहुत ज़्यादा है, 1500 जी बहुत ज़्यादा। एक और सवाल जो रहता है कि मान लीजिए कि कोई अर्बन एरिया में रहते हैं, बारिश वारिश हुई, उनकी गली में पानी भर गया, तो फिर क्या करना चाहिए? मतलब ऐसा है कि मान लीजिए गली में पानी भरा हुआ है, मैं अगर स्कूटी अपनी लेके जाऊँ तो स्कूटी के बैटरी को कोई इशू तो नहीं या ख़राब तो नहीं होगी? नहीं, एक्चुअली बैटरी जो है ना, बैटरी मोटर इसमें वाटरप्रूफ दिया गया है, IP67 है, ठीक है, तो इसलिए बैटरी मोटर वाटरप्रूफ है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा कि ख़राब हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या 3 मीटर तक का भी पानी है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। मतलब कि बस आप गाड़ी रनिंग कर सकते हैं, खड़े नहीं रख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि खड़ा नहीं रखना है, हाँ, मैं चलाकर जाऊं तो कोई इशू नहीं होगा सर, फिर तो कोई बात ही नहीं है जी। बैटरी के अराउंड सारी क्वेश्चंस तो हो गए, पानी वाली बात हो गई। एक और सवाल जो रहता है वो है कि मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है। सब्सक्राइबर्स का ये पूछना है कि अफोर्डेबल है इलेक्ट्रिक तो कितनी अफोर्डेबल होगी मुझे, क्या मेंटेनेंस कॉस्ट है, अगर स्पेयर पार्ट्स की बात करो टूट जाए तो क्या चार्जेस है? मेंटेनेंस सर गाड़ी में है नहीं, ऐसे अभी आप देख सकते हैं जब आप फुल चार्ज करेंगे ना तो मात्र 3 यूनिट ही बिजली उठता है, ठीक है। तो अगर 8 रुपये पर यूनिट है तो 24 रुपये के हिसाब से हो गया, ठीक है, और पर किलोमीटर मात्र 28 पैसा ही होता है इसका, ठीक है। और जो इसका मेंटेनेंस है या सर्विस है तो टाइम के हिसाब से अगर देखें तो 6 महीने पर सर्विस है,
और किलोमीटर के हिसाब से देखें तो 4000 किलोमीटर पे सर्विस होगा इसका, ठीक है, काफ़ी अफोर्डेबल है जी, काफ़ी अफोर्डेबल है। तो छः महीने, और इसकी सर्विस सारी पेड सर्विस होती है, ठीक है, कोई फ्री सर्विस नहीं है इस पर, ठीक है। ना कुछ बता ही दिया है तो मुझे इसका डाउन पेमेंट और EMI भी बता दीजिए। एक्चुअली देखिए, अगर लोएस्ट डाउन पेमेंट या EMI कोई भी कस्टमर पूछते हैं तो वो डिपेंड्स अपॉन सिविल, ठीक है। अगर उसका सिविल ठीक है तो हम लोग जीरो डाउन पेमेंट पे भी गाड़ी छोड़ देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर थोड़ा सिविल में कम है तो उसके लिए कुछ डाउन पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। आप सभी बता पाओगे जब वो इंसान, हाँ, जो वो आएंगे शोरूम तब हम उनका लॉगिन करेंगे, तभी बता पाएंगे उनको। तो अगर आप लोग मुझे भागलपुर से देख रहे हो और सिविल अच्छी है तो जी हाँ, जीरो डाउन पेमेंट पे भी मिल सकती है। आओ टेस्ट राइड लो, पसंद आए तो बुक कर दो भाई। मैं तो वीडियोस बनाता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैंने अभी जितनी इलेक्ट्रिक स्कूटीज वगैरह का रिव्यू किया है ये वन ऑफ द बेस्ट है उसमें। कुछ लोगों का कहना है कि मैं स्कूटी घर में ही चार्ज करना चाहता हूँ, तो क्या प्रोसेस है? कुछ एक्स्ट्रा वायरिंग वायरिंग का झमेला है क्या अगर घर में इंसान चार्ज करना चाहे तो? देखिए आजकल क्या है ना, देखिए कोई भी आप इलेक्ट्रिक स्कूटी अगर ले रहे हैं तो एक तो मतलब प्रॉपर वायरिंग तो होना चाहिए, अर्थिंग भी होना चाहिए, ठीक है, तो वो आई थिंक वो प्रॉपर रहेगा स्कूटी चार्ज करने के लिए। और इसका जो चार्जर भी है ना वो 3 पिन वाला है, तो आप कहीं पर भी आप चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, तो चार्जिंग का कोई इशू नहीं आएगा उसमें, ठीक है। आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत लोग पूछते हैं कि हमें क्या क्या एसेसरीज इसके साथ मिलेगी, क्या क्या अलग से लगवानी पड़ेगी, एक बार वो क्लियर कर दो। एसेसरीज अलग से जो आएगा इसका आ जाएगा, देखिए ये जो मिरर है ये कंपनी फिटेड ही आता है, जो हम यहाँ पे अलग से लगा के देंगे वो आ जाएगा, स्क्रैच गार्ड आएगा, ठीक है, फुटरेस्ट आता है, ठीक है, और डबल स्टैंड वो भी हम लगा के देंगे, फुट मैट देंगे, सीट कवर देंगे, नंबर प्लेट ब्रैकेट रहता है, ये सारी चीज़ें हम लगा कर देंगे एसेसरीज। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? नहीं, ये पेड वाला है एसेसरी, हाँ, सारा एसेसरीज का सारा पेड वाला है, ठीक है, सिर्फ मिरर को छोड़ के सारा पेड, सारा पेड एसेसरीज आता है इसको। आप लोगों ने मुझसे जितना क्वेश्चन पूछा मैंने ऑथराइज्ड पर्सन से, जो TVS का जो iQube का इंचार्ज है, मैंने उससे पूछकर सारा जवाब आपको दे दिया है। अगर फर्दर कोई इशू आती है या मैंने जितने भी बाइक्स की वीडियोस अपलोड किए किसी में भी इशू आती है कमेंट करो, मैं अलग से Q&A ले आऊँगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई बाइक के साथ, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल, सब्सक्राइब कर दो यार। I'm a